नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा देन प्रूव दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो जरा। देखो उसने कहा कि भाई अगर ऐसा है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ। कह रहा है टेन थीटा या तो 1 आएगा या तो 1/2 आएगा। ठीक है ना, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो जवाब ये है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक, जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर हम टैन के टर्म्स में बना लें, क्योंकि हमें टैन की वैल्यू लेके आनी है, इसको अगर हम टैन के टर्म्स में बनाने में कामयाब हो गए तो शायद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए जरा, हमने लिया इस ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, देखिए कैसे करेंगे। ठीक, इसका हमने 1 प्लस जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी, इसको हमने ले लिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सुनो मेरी बात, देखो या तो बोथ साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो या तो बोथ साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब ऐसा क्यों है अभी पता चलेगा, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले मैं आपको बोथ साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड करके यहां दिखा देता हूं। ठीक, देखो देखो देखो, बात समझो समझो। देखो ये आपकी इक्वेशन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे। देखिए किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड अगर आप सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, बात समझो। देखो बच्चों, जैसे कि मान लो एक्स बराबर वाई लिखा हुआ है, अब मैंने 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगा दिया 2 से राइट में, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। एक्स अगर वाई के इक्वल था तो x/2 y/2 के इक्वल हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। यानी कि यहां से आपने सीखा कि किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों ना हो, बोथ साइड सेम क्वांटिटी से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और साइन स्क्वायर थीटा से राइट में डिवाइड लगाया। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर काट देंगे। नहीं भाई, ना ना ना, आपको क्या करना है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे में साइन स्क्वायर डिवाइड लगा हुआ है, आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो। पहले कैसे लिखोगे इसको, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इसको पहले 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करने के बाद आप काट सकते हो, डायरेक्ट आप मत काट देना ऐसे करके। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, यहां पर स्प्लिट नहीं कर सकते हो, जब प्लस या माइनस होता है तभी आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हो। यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन चल रहा है 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ ऐसा मत कर देना कि 3 साइन थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं। तो 3 इंटू, क्योंकि यहाँ कोई प्लस या माइनस नहीं है, 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बाय साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे लिख लेते हैं। ये वाले साइन से ये वाला साइन चला जाता और देखो यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाता, कॉसेक स्क्वायर थीटा भाई, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाता, 1 आ जाता इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाता 3 इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक भाई, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, ये होता है आपका देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कुछ होता है नहीं, कुछ होता नहीं, लेकिन कॉसेक स्क्वायर को आप कॉट में चेंज कर सकते हो। ठीक, कैसे, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप यहां क्या लिख सकते थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 कॉट थीटा, 1 प्लस 1 2 हो जाता, तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 कॉट थीटा, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक, क्या ये कॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कैसे, 2 प्लस कॉट को अगर हम एक्स मान लें, ये देखिए अगर कॉट थीटा को हम क्या अज्यूम कर लें, एक्स थोड़ी देर के लिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर हम किसी तरीके से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, सही है ना, तो कॉट स्क्वायर की जगह हमने एक्स स्क्वायर रखा, 3 इंटू कॉट थीटा की जगह हमने एक्स रखा। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, 2 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3x, इसको आप सॉल्व कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, है ना। लेकिन पता है मैं, मतलब कर तो आप ऐसे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ के आपको दिखाया ऐसा कि बोथ साइड साइन स्क्वायर से करो। अब मैं साइन स्क्वायर से नहीं करूंगा, मैं कॉस स्क्वायर से सवाल को करूंगा। क्यों सर, बेटा आने को तो यहां से भी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जाएगी वो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। पर मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट मेरा टेन थीटा आ जाए एग्जाम में, है ना, तो जो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको मैं कॉट में ना बना के टेन में बनाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं साइन स्क्वायर से किया था ना अभी ना,
अब मैं साइन स्क्वायर से ना करके, तो मैंने रफ वर्क में आपको करके दिखाया कि साइन स्क्वायर से करोगे तो कॉट में बन जाएगा, भैया ऐसे भी आंसर आ जाएगा ठीक। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड ठीक। तो अब आप देखो कि मैं सवाल को कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक। क्या लिखा मैंने अपनी कॉपी में, मैंने लिखा डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड ठीक। तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। जब आप बोथ साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट में क्या है, वन प्लस साइन स्क्वायर। सो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या था, थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आएगी नहीं आई, कॉस स्क्वायर से लेफ्ट में डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर से राइट में, इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है इसको टू पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। तो वन वन के नीचे कॉस स्क्वायर जाएगा, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, थ्री साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, मानते हो कि नहीं, हाँ नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा भाई। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भाई sec थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं, तो अगर sec स्क्वायर करोगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये यानी कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर हो जाएगा ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखा आपने, sec स्क्वायर थीटा। और यहां पर आप और लिखते चलो, क्योंकि आप एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, और का मतलब या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो ठीक। प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए हो गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में, अब थ्री तो ऐसे ही है इंटू में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, यस सर। अब ये वाले सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है बच्चों, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सबने पढ़ा हुआ है ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, देखिए बच्चों यहीं पे कर देता हूँ मैं, क्या करेंगे sec स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा, sec स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। नीचे अगर नहीं दिख रहा हो शायद वीडियो में, दिख तो रहा है भाई ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके। देख लो sec स्क्वायर थीटा की जगह वन प्लस टेन स्क्वायर और प्लस ये वाला टेन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा ठीक है, टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, थ्री इंटू टेन थीटा हो गया ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप हम कहाँ पे करें, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट करिए, कर लिया चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं ओके स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि क्या आंसर यहाँ पर आता है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में, और अब ध्यान दें बच्चे, ये वाला वन ऐसे ही रहेगा वन प्लस, अब देखो जरा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टू टेन स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा टू टेन स्क्वायर थीटा ठीक इज इक्वल्स टू में थ्री इंटू टेन थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, वन प्लस टू टेन स्क्वायर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, क्योंकि वन तो पॉजिटिव है, रीअरेंज करके लिख लिया इज इक्वल्स टू थ्री टेन थीटा। अब यहां से क्या होगा, और टू टेन स्क्वायर थीटा और ये थ्री टेन थीटा लेफ्ट में आएगा, तो माइनस थ्री टेन थीटा हो जाएगा और लेफ्ट में प्लस वन तो बचा ही हुआ था, इज इक्वल्स टू में जीरो हो गया। समझ में आया क्या, किया कुछ नहीं है, थ्री टेन थीटा को लेफ्ट में लाए तो टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री टेन थीटा और प्लस का वन था, इज इक्वल्स टू में क्या बच गया, जीरो। अब ऐसा मैंने क्यों किया, टू टेन स्क्वायर माइनस थ्री टेन को पास पास क्यों लिखा, क्योंकि ये टेन में क्वाड्रेटिक है। जैसे भाई एक बात बताओ, अगर ऐसी इक्वेशन होती टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो आप इसको सॉल्व कर लेते कि नहीं कर लेते बताइए, x की वैल्यू निकाल लेते, तो भाई x की जगह बस tan ही तो आ गया, यहाँ x स्क्वायर यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ x है यहाँ tan है ठीक। तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है, सॉल्व तो हो ही जाएगा ठीक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाएगा, क्या दिक्कत है ठीक है ना। तो वन को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, वन इंटू टू टेन स्क्वायर कितना होता है, टू टेन स्क्वायर थीटा ठीक। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ये जो मिडिल टर्म है माइनस थ्री टेन थीटा को ऐसा लिखो कि ऐड करने पर माइनस थ्री टेन थीटा आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए,
जितना लास्ट वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आया था, ठीक। यानी कि ये पढ़ा होगा ना आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2 tan² थीटा माइनस 3 tan थीटा को आपने क्या लिखा, आपने लिखा इसको माइनस 2 tan थीटा और माइनस 10 थीटा लो और प्लस में 1। समझ में आ गई बात? क्यों सर? माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि ऐड हो जाएगा। 2 tan थीटा प्लस 10 थीटा 3 tan थीटा और साइन लगेगा माइनस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 tan थीटा इंटू में माइनस 10 थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा चेक कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस 2 और 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10² थीटा। तो मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आ रहा था जितना पीछे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था, ठीक। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आता होगा भाई, पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, ठीक है ना। ओके, नाउ अब देखो क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग के जो टू टर्म्स हैं इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो जवाब है एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन। तो यहां से क्या आ रहा है आपके पास 2, और देखो यहाँ 10² है, यहाँ 10 है, 2 कॉमन आ रहा है और 10 थीटा कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 चला गया 10² से, 10 चला गया, क्या बचा, 10 थीटा, और माइनस 2 tan चला गया तो बचेगा 1, ठीक। अब यहां पे देखिए जरा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, 1 नहीं लेना है, -1 कॉमन लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पे 10 कैसा है पॉजिटिव, 1 कैसा है नेगेटिव, तो यहां से 1 को नेगेटिव करना है, तो -1 कॉमन लेंगे, ठीक। क्या कॉमन लेंगे, -1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन होगा, और जैसे ही कॉमन होगा 10 थीटा नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 नेगेटिव पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहां एक ब्रैकेट लगा लेंगे ऐसे करके, और यहां से आप देखोगे तो ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, यहां से यहां तक क्या है 10 थीटा -1, और यहां से यहां तक क्या कॉमन है, 10 थीटा -1, 10 थीटा -1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 10 थीटा -1 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 10 थीटा -1 बाहर चला गया तो क्या बचा, 2 tan थीटा, ये बचा 2 tan थीटा, और -1 इज इक्वल्स टू में क्या है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा हो गया। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो अब सॉरी, नाउ नाउ स्टूडेंट्स, यहां से आ चुका है आपके पास 10 थीटा -1 इंटू, अब ये कर ली ब्रेसेस हटा के नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, 2 tan थीटा -1 = 0। अब देखो टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो 0, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो 10 थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, और का मतलब या तो 2 tan थीटा -1 = 0, ठीक। एक बार यहां से 10 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 राइट में जाएगा, तो 0 + 1 1, तो 10 थीटा = 1 आएगा, और का मतलब या तो, अब ध्यान दे बच्चे यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, 2 tan थीटा ऐसे लिखा, -1 राइट में जाएगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा भाई, -1 राइट में जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है, 2 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहां से आपके पास 10 थीटा कितना आ जाएगा, 1, और ये 2 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, साइन मत चेंज कर देना, ठीक। 2x = 1 होता था, x क्या था, 1/2, तो 2 × 10 थीटा 1 है, तो 10 थीटा कितना जाएगा, 1/2, ओके ये लीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, हमने प्रूफ कर दिया कि भाई 10 थीटा या तो 1 होगा और या तो 10 थीटा कितना होगा, 1/2 होगा, ओके, हेंस प्रूफ्ड। ओके, वहां से निकालते तब भी कॉट की वैल्यू आती कितनी, एक बार कॉट की वैल्यू 1 आती और एक बार कॉट की वैल्यू 2 आती, वहां से निकालते तो कॉट की वैल्यू 1 आती, 1 का रेसिप्रोकल 1 तो 10 आ जाता 1, कॉट की वैल्यू 2 आती, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 तो 10 कितना होता, 1/2, ठीक। लेकिन डायरेक्ट मैंने इसको 10 में बना लिया ताकि डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।